इस टॉपिक में हम कोलिजन की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली इलास्टिक कोलिजन को। कोलिजन की दो टाइप्स हैं, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जहां मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं, और इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मीन्स अगर बॉडीज मूव करें वन डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में, और वो कोलाइड हों और उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। फॉर एग्जांपल दो बॉल्स हैं, एक का मैस m1 और एक का मैस m2, वेलोसिटी v1 और v2, v1 v2 से ग्रेटर है, ये बॉडीज कोलाइड करेंगी और कोलाइड करने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2। तो ओवरऑल अगर ये कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेंगे, तो जितनी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन होगी उतनी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन होगी। बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 के इक्वल होगा, और आफ्टर कोलिजन v2 माइनस v1। अगर राइट साइड से नेगेटिव कॉमन लें तो नेगेटिव v1 माइनस v2, और नेगेटिव साइन क्यों आया, कोलाइड करने के बाद बॉडीज एक दूसरे से अवे मूव करेंगी। v1 और v2 के फार्मूलाज हमें याद होने चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए और डिफरेंट केसेस के लिए। v1 होता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2 टाइम m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2, और v2 2 टाइम m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। अब इन फार्मूला से रिलेटेड डिफरेंट केसेस हैं। पहला केस, अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल हो, तो अगर दोनों बॉडीज का मास इक्वल तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी v1-v2 और v2-v1 के इक्वल। सेकेंड केस, अगर मैसेज इक्वल हो और सेकेंड बॉडी रेस्ट पे हो तब भी वेलोसिटीज इंटरचेंज, अब v1-0 हो जाएगा और v2-v1 के इक्वल। अगर m1 का मास m2 से काफ़ी ग्रेटर हो और सेकेंड बॉडी रेस्ट पे हो तो v1- की वेलोसिटी सेम रहेगी, लेकिन जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी v1 के। और फोर्थ केस, अगर m1 का मास m2 से बहुत कम हो और v2 0, तो v1- -v1 लेकिन v2- रेस्ट पे ही रहेगा 0।